सुनुआ का और राजू का चिल्ला थे झूठ में है अपने गाड़ी के कहिए थे गण मार के कह के रख दे दे बाटा और झूठ में हमें चिल्ला थे है अब ते रुक रुक पर नहीं मार मार तो के हम बहुत खराब कई देसी जान ले दादा तो आज जी भैया तत्ता तो बड़ी भाईल बा हो लोटा लेके भागे लागे खेतारी में हम कहे ला दद्दा इमृति आज तू खाई ले केहन के अरे राम राम तो पेट में हमारा खराब है लोग ऐसे कही है अरे सर्वा पगला है बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब चूतिया हो चुके हैं एकदम चूतिया खत्म हो चुके हैं सब लोग। हमारी मौजूदगी जौनपुर की धरती पर है और जौनपुर की धरती पर एक से एक कलाकार हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं जो तीन लड़के हैं इनका कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। जब इनकी आप वीडियो देखेंगे इनकी कॉमेडी को जब आप देखेंगे तो आप भी अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ इस कदर ये लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। चैनल का नाम है कैसा कॉमेडी बनाते हैं आप लोग? नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। दोस्तों हमारे चैनल का नाम केवाईएम कॉमेडी है। केवाईएम और हर किसी को प्यार करती है। अगर जनता को आप पसंद आएगी जनता आपको प्यार देगी। जी भैया जी तो आप जनता को दिखाइए अपनी कला। जी भैया हम लोग अपना दिखाने का काम करते ही रहेंगे ऐसे ही एक से एक कॉमेडी हम बीच में लाते रहेंगे कागज जैसा हम लोग। भाई कॉमेडी आप दिखाइए यहाँ पे किस तरह से आप लोग बनाते हैं। तो फिलहाल में जो देखिए हमारे दद्दा का रोल करते हैं हमारे दद्दा बनते हैं। अच्छा दद्दा जी तो, दद्दा जी को थोड़ा सामने आइए आप। अच्छा नमस्ते हर हर महादेव। तो आप दादाजी का रोल निभाते हैं? हम दादाजी का रोल निभाते हैं। आप क्या रोल रहता है? भाई का भी करते हैं लड़के का भी करते हैं जो दे दिया था वो करते हैं जो भी देते हैं ऑलराउंडर ऑलराउंडर सब कुछ करते हैं। अच्छा और आप क्या करते हैं उसमें? मैं इनके बेटे का काम करता हूं और पति का रोल करता हूं। अच्छा बेटे का और पति का एक लेडीज भी हमारे रहते हैं जो निशा आर्या हैं उनका नाम है निशा आर्या मतलब प्रजापति है वो। हाँ। तो वो हमारे में लेडीज का काम करती हैं वो पत्नी का रोल रहता है बहन का रोल रहता है उनके साथ मेरा रोल रहता है। एक कॉमेडी आप लोग दिखाइए जरा आप जी दद्दा से बुलवाइए हमें। दद्दा जी बोलिए। अरे बुढ़ाई बेरिया हो राम बुढ़ाई बेरिया ये बिपचिया कैसे गाई राम बुढ़ाई बेरिया ये ससुरा इतना खरा लड़का हमारा भैया। अच्छा अच्छा ये कौनो चीज का अब मानी नहीं। अरे हम का बचाई एक दिन हमके इम्यूनिटी खिया दहेज। हाँ। अभी जान लग हमारे गड़बड़ भयल तो हम सोचले कि अब का बचाई। हाँ। तो सारी मर्ती खिलाए बहुत मिट्टी खिलाए के जान ले लेट भैया हमार रोहित नी तो लड़का हमार। हाँ। और का बताई मतलब मैदान में जा जाते परेशान हो गए। अरे भैया बहुत खराब कई देसी जान ले दादा। हाँ। तो आज जी भैया तत्ता तो बड़ी भाईल बा हो। अच्छा तो बड़ी भैया फारे रहा। अच्छा अच्छा का करे खाते मान ऐसे उठा ले उठा उठा मर ले एकदम की अपने कहन के हमें लेकर इमृति दे। हाँ। ओकरे बाद इमृति लेके बाद खाए ओकरे बाद लोटा लेके भागे लागे खेतारी में। हाँ। हम कहे ला दद्दा इमृति आज तू खाई ले। हाँ। केहन के अरे राम राम तो पेट में हमारा खराब है। अच्छा। हम कहे का कहिए इमृति खावे तो पेट में समारा धोती। हाँ। ला गए धोती उठाए भागे खेतारी में। हम कहे दद्दा अब तार हालत खराब हो गया। और भैया ऐसे कॉमेडी तो हम लोग बहुत बनाते हैं दादा का भी रोल हम करते हैं और जो कुछ रहता है भाई का भी रोल हम निभाते हैं और हाल ही में एक हमारा भी वायरल गया है करीब लमसम 10,000 गया है उसमें व्यूअर्स अच्छा भी आए हैं। वो शॉर्ट वीडियो था हमारा जी वो आप शॉर्ट वीडियो बताइए एक बार कैसे था वो तो लेडीज के साथ निशा आर्या के साथ था वो हमारा शॉर्ट वीडियो वो भी बहुत अच्छा गया है और इनके साथ जो हमारा शॉर्ट वीडियो है वो भी बहुत अच्छा गया है इनके साथ था जिसे हम अपनी बाइक से बैठे हैं। हाँ। कहे ई ससुर हमार ससुरारी गाड़ी। हाँ। इन्होंने सारे खराब के दे। अच्छा। ए सुनुआ का और राजू का चिल्ला थे झूठ में है अपने गाड़ी के कहिए थे गण मार के कह के रख दे दे बाटा और झूठ में हमें चिल्लाते है अब ते रुक रुक पर नहीं मार मार तो के हम
ऐसे भैया ये हमारे भाई है जो थोड़ा रुक रुक बोलता है और इसी के कारण रुक रुक के इनके मतलब कहते हैं कि बोलने के लिए ये प्रेशर देते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जितना आप रुक के कहोगे मतलब आवाज निकालोगे उतना ही बेहतरीन होगा, तो भाई रुक रुक के बोलने का आवाज निकालते हैं, इनका ये आदत बन गया रुक रुक के बोलने का। अच्छा, रुक रुक ऐसे हमारा भाई बोलता है। आप बताइए किसको देखकर आपने ये कॉमेडी वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कोई आपका रोल मॉडल है किसको देखा आपने? नहीं भैया देखिए इसमें हमारे किसी से आप इंस्पायर हुए? नहीं तो हमें ये सलाह देने वाले हमारे जो है हमारे पिता दिए थे और इसको आगे ले जाने का काम जो हमारे गोरख भैया जो गायक हैं वो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। वो कैमरे में तो नहीं आते लेकिन वो पीछे से कैमरे से हम लोग को उत्साह दे, एक हमारे गार्जियन का काम करते हैं गोरख भैया हमारे, तो हम लोग उनके जरिए से थोड़ा आगे बढ़े, आज उठे हैं। 16 एक बॉडी हम लोग ने डाला था, शाम का टाइम था, मैंने एक शूट किया वैसे डाल दिया, तो गोरख भैया ने देखा क्या है तुम लोग बहुत अच्छा बना रहे हो। अच्छा, तो उन्होंने सहयोग करने का प्रयास किया। मैंने फिर फोन किया, मैं उसके घर, मैं गोरख भैया के घर गया तो वो उनसे सलाह लिया कोई, उन्होंने सब तैयारी करवाया, मोबाइल कैमरा और जो कपड़े वपड़े होता है उन्होंने सब अपने पास से हमें दिलवाया और वो जनता का सहयोग मिल रहा। हाँ, वो सहयोग मिला, उसके बाद से सब लोग व्यूअर्स जो हमारे थे मिले। अच्छा, कुछ लोग मजाक भी बनाते होंगे, अरे मजाक तो बहुत बनाते, सारे पगलाए गए इनका बना। हाँ, गांव वाले ऐसे कहते हैं, मतलब कुछ लोग हैं, हाँ, नाम तो नहीं लेना चाहते, हाँ, कुछ लोग ऐसे कहिए अरे सर्वा पगला गया। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब चूतिया हो चुके हैं, एकदम चूतिया खत्म हो चुके हैं सब लोग, हम लोग सबको इग्नोर करते हैं बट सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं कि हमारा काम क्या है, मतलब फोकस और मतलब डेली का डेली हम लोगों का वीडियो जाता रहेगा और कुछ भी रहता है डेली का डेली वीडियो हम लोग डालते हैं, डेली शूट होता है हम लोगों का, करते हैं हम लोग। और अगर शूट नहीं हो पाता जिस दिन तो जान लीजिए कि उस दिन मतलब ये सोचते कुछ हुआ ही नहीं यार। हाँ, ये जान लीजिए तो बढ़िया, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता आपको प्यार दुलार देगी, दर्शक जो है जिसको आप पसंद आएंगे वो आपको जरूर प्यार दुलार देगी। जी भैया, आप अच्छा अच्छा वीडियो बनाइए समाज में जो है, जो भी है हमारा वीडियो, पारिवारिक वीडियो, सामाजिक वीडियो, मतलब परिवार पूरा देख सकते हैं। अच्छा, यूज नहीं करते आप शब्द एकदम से नहीं रहता। अच्छा अच्छा, एक मतलब घर की वीडियो माँ बहने भी साथ में बैठ कर देख सकती है, हम लोगों का ऐसा वीडियो रहता है, पूरा सामाजिक है। आप सब देख सकते हैं जौनपुर की धरती से कलाकारों की कमी नहीं है और ऐसे कलाकार को आप सपोर्ट करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।